हैदराबाद शहर में एक के बाद एक नई घटनाएं देखने को मिल रही है जो कि सबसे ज्यादा जुर्म से जुड़ी हुई है। शुक्रवार को भी हैदराबाद के पुराना पुल स्थित तेलगु कब्रगाह के पास एक मानव कंकाल देखा गया जिसने आसपास सनसनी फैला दी। वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी जिसके बाद जांच में जुटी पुलिस ने खुलासा करते हुए उस मानव कंकाल को पुलिस विभाग के होमगार्ड रविंद्र बताया। पुलिस का कहना है कि रविंद्र दो दिन पहले घर से झगड़ा कर निकला था, शायद इसी मौके की ताक में बैठे अपराधियों ने उसकी हत्या कर शव को जलाकर इस जंगल में फेंक दिया। कंकाल के पास से नेम प्लेट और वर्दी के टुकड़े फेंके हुए थे जिससे रविंद्र का कंकाल होने का अनुमान लगाया जा रहा है। हैदराबाद से मोहम्मद हमीद की रिपोर्ट। प्लांट्स ट्रीस रहता है उसके अंदर एक स्केलेटन जैसा डेड बॉडी पड़ा हुआ है, उसको पिक्स पूरा खा रहे बोलकर इंफॉर्मेशन आया था। इमिडिएटली हमारा इंस्पेक्टर जाके देखे तो वो सीन के अंदर जला हुआ जैसा एक डेड बॉडी है, वो पिक्स पूरा कंप्लीट खा लिया है। ओनली इट इज स्केल्टन इज देयर, स्केल्टन रिमेनिंग वेरी थोड़ा है स्केल्टन भी। और वो एरिया के अंदर हमको देखे तो जला जैसा थोड़ा चीज मिला था। उधर एक रविंद्राचारी बोलकर होमगार्ड नंबर मिला था, उसका मुताबिक हम इंक्वायर करें तो दो दिन से रविंद्राचारी हेडक्वार्टर में नहीं जा रहे, दो दिन से एबसेंट है, सेकंड थर्ड आज दो दिन एबसेंट है। और उसका एक सिस्टर इन लॉ है शोभा बोलकर, उनका थोड़ा रिलेशन है और पहले उनको लाके आइडेंटिफाई करी तो मे बी से रविंद्राचारी बोल रहे, उसका बारे में हम इंक्वायरी शुरू किया है। ये 302 केस करके रजिस्टर करके इंक्वायरी चला रहे हैं। इसका एज क्या था साहब? एज अबाउट 45 इयर्स। 45। तो ये बॉडी कब से मतलब मिसिंग थे साहब, कुछ मिसिंग कंप्लेंट वगैरह? मिसिंग बोले तो कल 11-12 बजे उसका वाइफ पद्मा, अभी हमारा पास है पद्मा आकर बोला है, कल 11 o'clock का टाइम पर थोड़ा पीके था, इनको वाइफ से झगड़ा करके घर से निकल के चले गए। सर वजह क्या है? वजह क्या है इसकी मानने की? ये थोड़ा पीने का आदत है, थोड़ा पैसे का प्रॉब्लम भी चल रहा है शोभा बोलकर पद्मा का सिस्टर का साथ। पहले ये शोभा से